भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। क्या दिक्कत हो रही है? पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विवाद हमने कहा नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में संज्ञान लिया था, जिसके चलते उन्हें सभी 37 चिन्हित जगहों पर परमिशन रद्द करने जैसे आदेश तक जारी करने पड़े। पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस बैठ करके अमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत से हमारे पास जमीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वकफ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जरूरत थी वो किसी को नहीं। हालांकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा निर्धारित केवल 6 जगहों पर खुले में नमाज को अस्थायी तौर पर अनुमति दी गई, लेकिन फिर भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये मामला कब तक थमता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।